हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पंचायती राज व्यवस्था के टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, निर्माण एवं विकास समिति के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, सरपंच इस समिति के सभापति होते हैं। ऑप्शन बी, सचिव पंचायत के सचिव होते हैं। ऑप्शन सी, इस समिति में सभापति अपने पद से त्याग नहीं दे सकते हैं। और ऑप्शन डी है, इस समिति में सदस्यों द्वारा अपने में से सभापति चुना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी सरपंच इस समिति के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, कृषि राजस्व एवं वन समिति के तहत कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ऑप्शन बी, कृषि विस्तार अधिकारी। ऑप्शन सी, सहायक चिकित्सा अधिकारी। और ऑप्शन डी, पटवारी, वनरक्षक और सदस्य पंच। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी। क्वेश्चन नंबर तीन है, ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के कार्यों में सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, निर्माण, अनुमोदन, बजट, अलेखन। ऑप्शन बी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। ऑप्शन सी, किसी अन्य समिति को न आवंटित किए गए कार्य। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर चार है, जनपद पंचायत के स्थायी समितियों की संख्या धारा 47 के तहत 7 होती है। यदि इन समितियों की संख्या को बढ़ाना हो तो किसकी अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन सी, एसडीएम। और ऑप्शन डी, कलेक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर पांच है, निम्न कथनों में असत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, जनपद एवं जिला पंचायत के तहत समिति के तहत एक व्यक्ति केवल एक समिति का सभापति हो सकता है। ऑप्शन बी, केवल सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है, शेष में सचिव मुख्य होता है। ऑप्शन सी, ग्राम गोठान समिति में 33% महिलाएं होंगी। ऑप्शन डी, समिति में सहयोजित सदस्य की संख्या 2 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केवल सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है, शेष में सचिव मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्पृश्यता का निवारण एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, जिला पंचायत। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत। ऑप्शन सी, विकल्प ए सही है। और ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी सही है, यानी कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अंतर्गत यह विषय आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में अंतिम संशोधन कब हुआ है। ऑप्शन ए, 2017 में। ऑप्शन बी, 2018 में। ऑप्शन सी, 2019 में। और ऑप्शन डी, 2021 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि पर चर्चा कीजिए। ऑप्शन ए, पंच को 50 रुपये। ऑप्शन बी, सरपंच को 1000 रुपये। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत सदस्य को 2000 रुपये। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नए संशोधन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के लिए जमानत राशि पर चर्चा कीजिए। ऑप्शन ए, पंच को 25 रुपये। ऑप्शन बी, सरपंच को 500 रुपये। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत सदस्य को 1000 रुपये। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, राज्य के सभी पंचायतों में एक विकलांग का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत में एक विकलांग का होना आवश्यक है। ऑप्शन सी, जनपद एवं जिला पंचायत में 2 विकलांग का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास निधि के संबंध में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, जिला पंचायत अध्यक्ष को 1,500,000 रुपये विकास निधि के लिए मिलता है। ऑप्शन बी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 1,000,000 रुपये मिलता है। ऑप्शन सी, जिला पंचायत सदस्य को 4,00,000 रुपये मिलता है। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास निधि के संबंध में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, जनपद पंचायत अध्यक्ष को विकास निधि के लिए 5 लाख रुपए मिलता है। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 3 लाख रुपए मिलता है। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत सदस्य को 2 लाख रुपए मिलता है। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नए संशोधन के तहत मानदेय के संबंध में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, जिला पंचायत अध्यक्ष को 25,000 रुपए महीना मिलता है। ऑप्शन बी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 15,000 रुपए महीना मिलता है। ऑप्शन सी, जिला पंचायत सदस्य को 10,000 रुपए महीना मिलता है। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नए संशोधन के तहत मानदेय के संदर्भ में सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 10,000 रुपए महीना मिलता है। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 6,000 रुपए महीना मिलता है। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत सदस्य को 5,000 रुपए महीना मिलता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त विकल्प सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नए संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ में सरपंचों को कितना भत्ता मिलता है। ऑप्शन ए 2,000 रुपए, ऑप्शन बी 3,000 रुपए, ऑप्शन सी 4,000 रुपए और ऑप्शन डी 5,000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 4,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 16 है, नए संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ में पंचों को कितना भत्ता मिलता है। ऑप्शन ए 300 रुपए, ऑप्शन बी 400 रुपए, ऑप्शन सी 500 रुपए और ऑप्शन डी 600 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी में स्थित सांकरा को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में 3रा स्थान किस विषय पर दिया गया है। ऑप्शन ए स्वस्थ पंचायत, ऑप्शन बी खाद्य आपूर्ति लक्ष्य, ऑप्शन सी महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु और ऑप्शन डी नल जल कलेक्शन हेतु। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए स्वस्थ पंचायत हेतु। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरगुजा जिले के जनपद लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम को किस विषय के तहत पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका हेतु, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण हेतु और ऑप्शन डी विकल्प सी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका हेतु। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती पुरस्कार 2023 के तहत ग्राम पंचायत सांकरा के किस सरपंच ने पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए शशि ध्रुव, ऑप्शन बी रवि कुंजाम, ऑप्शन सी सावित्री नेताम और ऑप्शन डी मोहन राम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए शशि ध्रुव ने, इन्होंने स्वस्थ पंचायत के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, पंचायती पुरस्कार 2023 के तहत ग्राम पंचायत नागम के किस सरपंच ने पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए भंडारी राम पैंकरा, ऑप्शन बी रवि कुंजाम, ऑप्शन सी सावित्री नेताम और ऑप्शन डी मोहन राम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भंडारी राम पैंकरा ने, इन्होंने गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका हेतु पुरस्कार प्राप्त किया है।